हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आपकी दोस्त अनु झा और आपने ट्यून किया है झा अनु क्रिएशन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लेगिंग्स के रीयूज। हम लोगों के पास क्या होता है, कई चीजें ऐसी होती है जिसका कि अभी काफी फैशन होता है तो हम लोग कई जमा कर लेते हैं, और जब उसका फैशन आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो वही चीज हमारे लिए जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है और उसको वो पड़ा रहता है। जैसे कि अभी लेगिंग्स है तो लेगिंग्स हम लोगों के पास, हम लोगों के घर में क्या होगा, हर एक कलर के बहुत सारे होंगे। एक एक कलर के हम लोगों ने दो दो तीन तीन, क्योंकि बीच में जो है वो लेगिंग्स का बहुत ज्यादा फैशन था तो हम लोगों ने खरीद के रख लिया। लेकिन अब क्या हो गया, ये देखिए लेगिंग्स इस तरह से बहुत ढेर और ढेर इतने लेगिंग्स हो गए अपने लोगों के पास। अब क्या हो गया, लेगिंग्स के फैशन खत्म हो गए हैं तो अब जो है वो लेगिंग्स पहनना अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आप लोगों को लेगिंग्स में से कुछ बनाना बता रही हूँ। तो लेगिंग्स को फेंकने से पहले या इसको किसी बेड वगैरह को देने से पहले आप मेरे ये आइडिया जरूर देखें। इससे पहले मैंने आपको लेगिंग्स से जो है वो एक बहुत ही अच्छा सा फुल स्लीव्स का ब्लाउज बनाना बताया था। उसी तरह से आप हाफ स्लीव के भी ब्लाउज बना सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा। मैं ज्यादा तो वही ब्लाउज पहनती हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं आपको वो भी ब्लाउजेस दिखाऊंगी कि कितने सारे मेरे पास उस तरह के ब्लाउजेस हैं। फुल बाजू वाले तो मैंने आपको दिखा दिए थे, तो हाफ बाजू के भी मैं ब्लाउज दिखाऊंगी। तो वो भी बनाना बहुत ईजी है, जैसे फुल बनाया है वैसे हाफ बना लेंगे। तो अब मैं इन लेगिंग्स से आपको ना इनका रीयूज बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं इससे क्या करेंगे कि आजकल जो है वो कहीं भी हम जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आजकल स्कूटी चलाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम लोगों को क्या होता है सबसे पहले कि मतलब लड़के बच्चे जो होती हैं, लड़कियां जो खास करके होती हैं, सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में स्टॉकिंग पहनती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको हैंड्स ग्लोव पूरी ही बाजू की चाहिए। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि हम ये क्या करें कि ठीक है इसको नया लेने के बजाय हम क्या करें इसको कि देखिए इस तरह से हम इसको लेगिंग्स को अच्छे से फोल्ड कर लें। हम इसको ये ले लेंगे, ठीक है, मतलब बिल्कुल ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो है ना वो हम 20 इंच का ले लेंगे, 18-20 इंच का ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लेके हम क्या करेंगे, इसको इतना ले लीजिए या अपना हाथ आप मेजर कर लीजिए, यहाँ से जैसे है यहाँ से देखिए इस तरह से हम मेजर करते हैं तो हमारा हैंड जो है वो कितना आ जाता है, वही 20 आता है। देखिए यहाँ पे 20 आ रहा है ना अंगूठे के पास, तो इतना ही आता है जनरली। तो ये लेके हम जो है वो इस तरह से 20 इंच का ये ले लेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग कर लेंगे, ऐसे मार्क कर लेंगे और इसको जो है वो ये मार्क को हम बराबर कर लेंगे इस तरह से, इसको जो है ना वो बिल्कुल ही बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के लिए हम एक बार इस साइड से भी इसको माप लेंगे जिससे कि हमारा बिल्कुल बराबर हो जाए, और दोनों साइड का फोल्ड अच्छे से करेंगे कि बिल्कुल बराबर रहे। और यहाँ से हम कट कर देंगे सीधा, ठीक है, यहाँ से जैसे ही हमने कट कर दिया तो ये क्या हुआ, हमारा स्टॉकिंग जैसा बन गया। यहाँ से चाहे तो आप इसको हल्का सा हाथ से स्वीप भी ये कर दें, या फिर आपके पास यदि ग्लू है, ग्लू गन वगैरह रखा हुआ है आपने, हॉट ग्लू रखा हुआ है, तो इसको ऐसे करके इसको ना फोल्ड करके चिपका दें, तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका स्टॉकिंग बन के तैयार हो जाएगा। और यदि इसको अंगूठे में फंसाने वाला बनाना है तो क्या करना है, पहनने के बाद मतलब यहाँ पे ना बहुत हल्का सा ना इतना छोटा सा बिल्कुल एकदम कट कर देना है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिलाई वगैरह कुछ नहीं करना है, इसमें यहाँ पे कट कर देना है, जिससे क्या हो जाएगा कि ये हमारा यहाँ पे अंगूठा हमारा फंस जाएगा तो हम स्कूटी चलाए या कुछ भी करें तो वो पीछे की तरफ नहीं भागेगा। तो ये हमारा स्कूटी ये बनके स्टॉकिंग बनके तैयार हो जाएगा, इसका मैं साइड में पिक लगा दूंगी, ठीक है। तो एक तो ये काम कर सकते हैं, दूसरा अब हमारे पास बच गया इतना पोर्शन, ठीक है, इसको भी मुझे फेंकना नहीं है। ये 20 इंच हमने कट कर लिया, देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ, ये 20 इंच मैंने कट कर लिया, अब मेरे पास बच गया इतना पोर्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, यहाँ से कटा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे, ठीक है, या फिर ग्लू गन लेके आप इसको फोल्ड कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, तो इसको फोल्ड कर लेंगे, बाकी चीज़ तो सब सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा कैपरी बन जाएगा, आप उसको रनिंग के लिए ये यूज करिए, एक्सरसाइज के लिए यूज करिए, ठीक है, तो गर्मियों में पहनने के लिए ये हमारा कैपरी भी मतलब शॉर्ट कैपरी बन जाएगा, हमारा नी तक का नी लेंथ तक का ये कैपरी बड़े आराम से बन जाएगा और ये भी बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत ही ट्रेंड में है। तो देखिए एक लेगिंग से मैंने आपको एक लेगिंग से हमारा दो चीज बन के तैयार हो जाएगा। तो ये कितनी अच्छी मतलब लेगिंग रीयूज का ये कितना अच्छा ये है। अब मैं आपको तीसरा बताती हूँ, तो तीसरे को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये जिसके जिसका सब कुछ सही है, इलास्टिक वगैरह सही है। आजकल क्या होता है कि पेटीकोट वगैरह भी जो हम पहनते हैं ना वो मुझे सेफ वेयर, हम लोगों को आजकल क्या हो गया है सेफ वेयर पेटीकोट पहनती है लड़कियां, आजकल हम लोग नहीं पहनते हैं बट लड़कियां जो है वो सेफ वेयर पहनती हैं फिर या फिर स्कर्ट में पहनती हैं। तो उस तरह का बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसको कि इसकी जो सिलाई है ना
ये जैसे ये सिलाई है, इसको हम अच्छे से कट कर देंगे, ठीक है, ये सिलाई जो है इसको हम कट कर देंगे, इसको सिलाई को कट कर देने से ये हमारा डबल बन जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा खुल जाएगा और इस तरह से हमारा ये जो है वो अब ये जो है वो इस तरह में आ जाएगा, ठीक है, और इस तरह में आ जाएगा, तो इसको आप जो है वो पूरा, मतलब ये पूरा खुल गया, इतना चौड़ा हो गया, ये दोनों साइड से खुल जाएगा तो इतना चौड़ा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सेफ वेयर इसका एक पेटीकोट बन के तैयार हो जाएगा। पेटीकोट की तरह उसको यूज करिए, या फिर इसकी थोड़ी सी लेंथ, और नीचे से पेटीकोट बनाने में क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो मतलब आप यहाँ से स्टिचिंग कर दीजिए, बट यहाँ से आप इसको खुला रखिए, यहाँ से खुला रखने से क्या होगा, आपको चलने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और जितनी हाइट लेंथ आपको जितनी चाहिए, अब कितनी लेगिंग्स इतनी लेंथ तो चाहिए नहीं हमें पेटीकोट के लिए, पेटीकोट के लिए तो हमें जितनी चाहिए, मान लीजिए 36 या 38 चाहिए हमें लेंथ, तो हम 36 ले लेंगे, ठीक है, तो इतना यदि एक्स्ट्रा हो गया, ये देखिए इतना ये एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ से ये लगा के हम जो है इसको यहाँ से लाइन लगा के इसको हम कट कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हमारा पेटीकोट ले से बेयर पेटीकोट तैयार हो जाएगा। तो इसको आप पेटीकोट की तरह यूज करिए, और यहाँ तक इसका क्या करेंगे हम ना 7-8 इंच ना इसका खुला, या 9 इंच आपने इसका मतलब पोर्शन जो है वो दोनों साइड खुला छोड़ दीजिए, ठीक है, दोनों साइड खुला छोड़ दीजिए, तो ये आपका जो है वो चलने में भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छा सेफ वेयर पेटीकोट बन के चला तैयार हो जाएगा। मैं इसको भी जो बनाई हूँ उसको मैं आपको लगा दूंगी, इसका भी पिक लगा दूंगी, और उसके बाद फिर चौथा रियूज हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको 4 रियूज बताने का बताया है, तो चौथा रियूज हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, तो इसको जो है मतलब एक ऐसे ही खोल लेंगे, जैसे मैंने बताया वैसे खोलेंगे, और इसकी सिलाई जो है ना वो हम नीचे से इतनी दूर तक तो नहीं ही करेंगे, और एक साइड जो है वो लॉन्ग स्लिट कर देंगे, स्लिट जो है एक साइड का लॉन्ग कर देंगे, तो ये हमारा जो है वो बिल्कुल स्किन फिट स्कर्ट जो होता है ना वो हमारा तैयार हो जाएगा। स्किन फिट स्कर्ट आजकल लड़कियां बहुत पहनती हैं, या तो उसको मतलब फुल लेंथ में बनाना चाहें तो फुल लेंथ में बना लें, शॉर्ट लेंथ में बनाना चाहें स्कर्ट तो शॉर्ट लेंथ में बना लें, और ये बहुत ही यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप लेगिंग्स को हटाने से पहले इस तरह का ये जरूर करें। मैं सबके पिक आपको लगा दूंगी, बहुत अच्छे इससे आपको पिक लगा के मैं दिखा दूंगी, तो देखिएगा कि कैसा कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो इस तरह से आप इसको तैयार करिए, बहुत अच्छा लगेगा। और आपको थोड़ा भी ये रियूज पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। मैं इसी तरह के रियूज आइडिया लेके आती रहूंगी, वैसे मैं सारी रियूज मोस्टली करती हूँ, तो सारी रियूज भी मतलब करती हूँ, तो उसके भी मैं डिजाइन भी आपको दिखाऊंगी, दिखाती हूँ। आप लोग बहुत पसंद करते हैं मेरे सारे डिजाइन को, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।